जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष केदार चैनल पर। आज हम मेष राशि का फरवरी मास का फलादेश जानेंगे, क्या फल हमें प्राप्त होगा जानेंगे। मेघ राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार ही हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह वृक्ष राशि में स्थित है और आपकी राशि पर राहु का संचार है, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में अति संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ बन रही है, आय कम तथा खर्च अधिक रहने का योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य में कष्ट तथा मानसिक तनाव, धन का अपव्यय तथा हानि होने की आशंका है। यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो आपका समय बहुत अधिक खराब चल रहा है। कृष राशि वालों, आपको निकट बंधु से मनमुटाव होने का भय रहेगा। घर में क्ले के कारण मन अशांत रहेगा। नजदीक मित्रों के द्वारा भी प्राहु जैसा व्यवहार करने के कारण आपका मन परेशान रहेगा, जिसके कारण आप अति दुखी रहेंगे। बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग को व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ेगा। आपको व्यापार में आय कम, खर्चा अधिक रहेगा। नए कारोबार में आपको असफलता प्राप्त होने का योग है। अंत में अपाय जरूर जाने, जिसके करने से आपको राहु का शुभ फल प्राप्त होगा। लगभग एक साल से आप ये समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। आपको पैसे संबंधी चिंता बन रही है। विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग को विद्या क्षेत्र में विघ्न उत्पन्न देखने को मिल रहे हैं। विद्या प्राप्ति में संघर्ष अधिक हो रहा है और आपको अचानक से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको विद्या में रुकावटें हो सकती हैं, या फिर आप विद्या में जो सफलता का अंक है उनको नहीं प्राप्त कर रहे, आपका संघर्ष अधिक हो रहा है। अंत में मेरे साथियों आपको उपाय बताएंगे, जिसके करने से आपको राहु का शुभ फल प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग को विदेश यात्रा के यहाँ पर राहु के कारण शुभ योग बन रहे हैं। आप विदेश जाने का आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं, परंतु एक बात ये भी विशेष ध्यान रखें, आपका फालतू पैसा फंसने का भी योग यहाँ पर बन रहा है। बात करते हैं विवाह की। प्रिय साथियों, प्रेम विवाह इत्यादि सुख में आपको कमी प्राप्त होगी तथा प्रेम में धोखा मिलने का योग बन रहा है।